हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। आज क्रिसेंथमम प्लांट में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप लोग कैसे पा सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे करवाएं अपने प्लांट में, तो इसके बारे में बात करूंगी। अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी आप लोगों को। अगर पसंद आए मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। और जिन्होंने मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है ज़रूर बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मेरे बहुत सारे प्लांट वीडियोस हैं फ्रेंड्स यूट्यूब पे, तो आप लोगों को देखना हो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं गार्डनिंग विद गीत यूट्यूब में, तो आप लोगों को मेरे सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरे सारे प्लांट वीडियोस पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें गुलदाउदी के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये गुलदाउदी कहते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में क्रिसैंथेमम कहते हैं। ये विंटर्स का प्लांट है, विंटर्स में ही फ्लावरिंग करता है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे 7 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। आप इसे जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे वो आपका प्लांट उतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसे कभी भी शेडेड एरिया में ना रखें फ्रेंड्स, क्योंकि सनलाइट लविंग प्लांट है, सनलाइट इसे बहुत पसंद है, तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग करेगा। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग पानी आप कैसे डालें फ्रेंड्स, तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रहना, हल्की गीली रहना पसंद है, ज़्यादा पानी ना डालें इस प्लांट में, वरना इसकी जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी जल्दी। और बैलेंस वे में करें। और फ्रेंड्स, जब भी आप नया प्लांट्स लेने जाते हो नर्सरीज में, तो आप वहां से हमेशा हेल्दी प्लांट कोशिश करें कि खरीदें। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में फ्रेंड्स हम लोग कभी कभी अनहेल्दी प्लांट लेके आ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स वो प्लांट ख़राब हो ही जाता है, तो कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं है। तो इसलिए कुछ पैसे लगाएं और लेकिन अच्छे प्लांट्स लेके आएं, तो अच्छी फ्लावरिंग ज़्यादा दिन तक आप लोगों को मिलती रहेगी। इसकी खास बात बताऊं फ्रेंड्स, तो ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देंगे फ्रेंड्स, पत्ते तो दिखाई नहीं देते। तो बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है, इसे फूल देने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। और इसके कलर्स के बारे में बताऊं तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं, दो तो आप लोग सामने ही देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और बहुत दिन तक इसके फ्लावर एक बार खिल जाए फ्रेंड्स तो बहुत दिन तक चलते हैं। तो आप लोग ज़रूर खरीदें इस प्लांट को। और एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि नर्सरी से, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग प्लांट सेलेक्ट कैसे करें, तो आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी प्लांट लेते हैं तो फ्रेंड्स उसमें बर्ड्स ज़्यादा बने हों और एक आध फूल ऐसे खिले हुए हों जिससे आप लोगों को पता चल सके कि उस प्लांट में किस कलर का फूल आ रहा है। तो वैसे प्लांट्स आप लोग खरीदना ज़्यादा कोशिश करें कि वैसे प्लांट्स लें, ज़्यादा फूल आए हुए प्लांट्स में आप प्लांट्स को ना खरीदें, तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि जिसमें ज़्यादा बर्ड्स बने हों और एक आध मतलब कि दो तीन फूल भी खिले हैं तो वो चलता है, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा आगे जाके फ्रेंड्स। तो वैसे प्लांट्स को खरीदें। इसके अलावा मैं बताऊं कि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स में भी आती हैं। विंटर्स का प्लांट है, विंटर्स में ही फ्लावरिंग करता है, 7 से 8 घंटे की धूप दिखाएं। और इसकी जो प्रोपेगेशन होती है फ्रेंड्स, आप एक से अनेक प्लांट कैसे बना सकते हैं, एक से बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए आप इसकी टहनियों को काट के ब्रांचेस से इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो सीड से हालांकि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को फ्रेंड्स, तो टहनियों से ब्रांचेस से इसकी कटिंग लगाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं बताऊं फ्रेंड्स कि इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, इस प्लांट में पत्तों के कलर के ही कीड़े लगते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, वो कब प्लांट को पूरी तरह से ख़राब कर देगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेस्ट पेस्टिसाइड क्रिसैंथेमम प्लांट के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि मेलाथियन नाम का एक लिक्विड फॉर्म में केमिकल दवाई आती है फ्रेंड्स, वो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला के हर वीक हल्का स्प्रे कर दिया करें प्लांट्स पे अपने, तो खास करके क्रिसैंथेमम प्लांट के लिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग कीड़े लगने का इंतज़ार ना करें,
और हर सप्ताह इसका स्प्रे कर दिया करें, और पौधे को हमेशा तिरछा करके किया करें फ्रेंड्स, क्योंकि रूट्स में अगर चले पेस्टिसाइड अगर रूट में गया तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं खराब होने के प्लांट्स, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मेलाथियॉन आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग घबराए नहीं, नीम ऑयल भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है फ्रेंड्स। वो नीम ऑयल 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप वो सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं जिसमें भी कीड़े लगते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग सारे प्लांट्स के लिए वो नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला के, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आप लोगों को। तो पेस्टिसाइड से तो आप अपने प्लांट्स को बचा लेंगे। आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे मिले आप लोगों को इस प्लांट में, तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स बहुत ही गुच्छों में और बहुत सारी फ्लावरिंग करता है, भर भर के फ्लावरिंग होती है इसमें, और कभी कभी तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से फूल ही दिखाई देगा फ्रेंड्स, आपको पत्ते पता ही नहीं चलेंगे कि किस तरह के इसमें पत्ते निकलते हैं, तो ऐसा प्लांट है ये। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में लगाएं, अगर नहीं लगाया है आप लोगों ने अभी तक तो ये अच्छा टाइम है अभी ख़रीदने का, पौधा लाएँ और आप लोग भी लगाएँ। और इसके फूल की खास बात है फ्रेंड्स कि एक बार ये खिलता है तो बहुत दिनों तक ये चलता है, ख़राब नहीं होता। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो फ्लावर्स जो होते हैं खिलने के बाद जो मुरझाने लग जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, उसको आप पिंच कर दिया करें, पिंचिंग किया करें उनकी, उनको कहने का मतलब कि तोड़ तोड़ के हटा दिया करें, तो जो भी पुराने पत्ते हैं ये सब नीचे से हटा दिया करें फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादा एनर्जी खींचता है, वो सूखे फूल भी जो हैं वो भी एनर्जी लेते हैं मिट्टी से, तो प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाता। लेकिन आप पिंचिंग कर देंगे सूखे फूलों की, पत्तियों की, खराब फूल और पत्तियों की, तो वो सारी एनर्जी फिर दूसरे जो बर्ड्स हैं जिसमें फ्लावरिंग होने वाली है उसको देता है, तो अच्छे बड़े साइज के फूल आएंगे और अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा मैं बताऊं फ्रेंड्स कि अच्छे फूल पाने के लिए आप लोग इसमें महीने में नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि हैवी फीडर प्लांट है मैंने कहा इसमें फूल बहुत आता है, तो आप लोग हर 15 दिन में सड़ी हुई गोबर की खाद भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद है तो वो डालें सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके अलावा फ्रेंड्स केमिकल आप लोग यूज़ करना चाहते हैं फर्टिलाइज़र तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप लोग DAP अगर 10 इंच का गमला है तो आप उसमें 10 दाने 10 इंच के गमले में डालें हर 15 दिन में। उसके साथ साथ अगर बोन मील है आपके पास तो आप 1 बड़ा चम्मच 10 इंच के गमले में, के लिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 इंच के गमले में 10 दाने DAP और 1 बड़ा चम्मच बोन मील, और उसके साथ साथ फ्रेंड्स पोटेशियम रिच ग्रैन्यूल्स आते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप 1 चम्मच 10 इंच वाले गमले में 1 बड़ा चम्मच पोटाश ये सारी चीज़ें मिला दें हर 15 दिन में, आप ये सारी चीज़ें इनके मिट्टियों मिट्टी में मिला दें फ्रेंड्स और वाटरिंग कर दें, वाटरिंग ज़्यादा ना करें, बैलेंस्ड वे में करें इसकी मिट्टी फ्रेंड्स। जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं उस टाइम पे आप इसमें ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी को सूखने नहीं दें जब तक ये प्लांट पूरी तरह से इस्टेब्लिश ना हो जाए, कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये अपनी ग्रोथ शुरू ना कर दे, हल्की मॉइस्ट ही रहनी चाहिए इसकी मिट्टी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पसंद आए मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।